Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. व्यूअर्स आप देख रहे हैं प्राइम टाइम और टेक टीवी वी आप देखते हैं एवरी वीक हम मल्टीपल इश्यूज पे डिस्कस करते हैं आ, असल बात यह है कि जो भी इश्यूज आते हैं आ, या तो वो करंट अफेयर्स से मुतक ऐसे होते हैं कि जो कि आप उसमें इंटरेस्ट रखते हो और उसमें जानना चाहते हो और एक असल जो अहम तरीन बात प्राइम टाइम की और टैक टी की है वो ये कि आप लोग चाहते हैं कि एक ऐसा एंगल भी सुनने को मिले बाहर से इंटरनेशनल आ, मीडिया के ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि शायद आपको करीब में रहते हुए मीडिया के चैनल्स नहीं दिखा पाते हो अच्छा उसमें एक जो बड़ी अहम बात होती है वो होती है आपकी राय आपकी फ़ीडबैक और आप यकीन करें कि बाजू का जब ये शो चल रहा होता है जो आपके लाइव कमेंट्स आ रहे होते हैं वो तो अपनी जगह लेकिन वो शो 24 घंटे के अंदर अंदर जो उसमें डेढ़ दो हज़ार कॉमेंट आ जाते हैं वो बड़ा हमारे लिए अहम एक तरह का ऑक्सीजन का काम करते हैं कि हम उसमें से आपकी सोच को और फ़िक्र को समझ के चलें कि आप क्या देखना चाह रहे हैं क्या जानना चाह रहे हैं बहुत से लोग यकीन माने कि वो इतना अच्छा अच्छा एनालिसिस पेश कर रहे होते हैं कामर्स में कि दिल चाह रहा होता है कि काश कि आपको हम इस वक्त लाइव ले लेते ले और आप हमें सुन आ, बात कर रहे होते हमारे ऑडियन से एक प्रोग्राम ऐसा भी रखेंगे तो इसी तरह से आज का भी एक प्रोग्राम है आज की भी एक, एक एपिसोड है जो हम पेश कर रहे हैं मल्टीपल इश्यूज़ हैं तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू मैं ताहिर गोरा साहब को पहले वेलकम करता हूँ और सर कैसे हैं आप खरी से ठीक हैं थैंक यू सर बिल्कुल बिल्कुल आप क्या हाल स्टेइंग हेल्दी जी जी थैंक्स गॉड का शुक्र है भगवान की कृपा है वंडरफुल वंडरफुल बस सबकी आशीर्वाद होनी चाहिए सबकी दुआएं होनी चाहिए आ, हम बात करेंगे सर पाकिस्तान में जो इस वक्त मैटर चल रहा है एक और इसके साथ हिंदुस्तान का भी मैं रिलेट करूँगा बाद में आगे चल के कि जो हुकूमत पे कर्जों की एक देख रहे हैं कि बोझ बढ़ता चला जा रहा है अच्छा उसमें कहा यह जा रहा है कि ये पिछली हुकूमतों का है इतने साल गुजर गए हैं सच क्या है झूठ क्या है वो तो ब्लैक एंड वाइट होता है वो ना आप छुपा सकते हैं ना मैं ना इमरान खान तो इसको आप क्या हमारे नाजीन को बताएंगे देखिए बात यह कि जो अभी रिसेंट नंबर्स आए हैं अनीस भाई उसके मुताबिक पाकिस्तान पर जो डेट हैं वो थर्टी सिक्स पॉइंट थ्री ट्रिलियन रुपीज़ के हैं अच्छा। अब आज की डेट में जो भी रेट है यूएस डॉलर में आप 36.3 ट्रिलियन को उस यूएस डॉलर से आप डिवाइड कर लें तो ये बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर निकलते हैं अच्छा जो सबसे तशवीशनाक बात ये है ये 36.3 ट्रिलियन डॉलर्स टोटल डेट्स हैं इन में अलेवन ट्रिलियन डॉलर जो हैं वो तहरीक इंसाफ की दो साल की सरकार में ऊपर चढ़े हैं यानि जो नहीं देगी। टोटल डेट्स के। और इनका यह दावा है अभी खान ने ट्वीट पर दो तीन दिन पहले दी है बड़े फखर से बल्कि दो दिन पहले दिए बड़े फखर से की जनाब हमने जुलाई में को पता नहीं किया फोर हंड्रेड सिक्सटी फोर मिलियन डॉलर सरपलस में गए हैं बिल्कुल अच्छा वो गए होंगे फोर फोर मिलियन डॉलर कुछ भी नहीं है अगर इनके जो डेट्स इनकी वजह से चढ़े हैं पॉइंट थ्री फाइव ट्रिलियन रुपीस के ठीक है ट्रिलियन यानी यूं है कि एक हज़ार बिलियन का एक ट्रिलियन होता है जी, जी, यानी कि ग्यारह हज़ार से ज़्यादा ट्रिलियन रुपीस के जा चुके हैं तो अगर आप 160 सिक्सटी पता नहीं क्या है यू डॉलर 169 है या 70 है उससे डिवाइड भी कर लें तो बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर के इनके मैं समझता हूं कि इनकी सरकार में डेट्स का बहुत सारा जो हिस्सा है जो कर्जे यानी ये, ये वो जो रीपेमेंट्स कर रहे हैं है। इंटरेस्ट की या कोई प्रिंसिपल्स की वो भी काफ़ी है लेकिन इसके बावजूद ये इतना बड़ा डेफिसिट है जिसका बड़ा वाज मकसद है कि पाकिस्तान की आमदन पाकिस्तान के ख़र्चों से अभी बहुत पीछे है और कोई ऐसा इम्कान भी नज़र नहीं आ रहा कि इनकी आमदन ख़र्चों के करीब जाना तो दूर की बात है ज़रा वो गैप को भी कम कर सके बल्कि गैप तो बढ़ता चला जा रहा है तो इकोनॉमिक चैलेंज कोई भी घराना हो फर्द हो नेशन हो कंट्री हो सब बड़ा चैलेंज होता है और उसी चैलेंज की वजह से आप देख रहे हैं कि फैटफ के आगे ये अब मजबूर हैं आ, कुछ ऐसे आगे 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 है, जी, जी नाजुक नाजुक केस भी है थोड़ा सा हमारे लिए क्योंकि एक एक डॉक्यूमेंट सामने आई है और उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो जो मोस्ट वांटेड तलाश दुनिया कर रही है चाहे अमेरिका कर रहा हो अफगानिस्तान कर रहा हो या हिंदुस्तान कर रहा हो वो आतंकवादियों की एक फहरिस्त पेश की है कि जनाबे वाला ये हमारे मेहमान हैं हमने इनको यहाँ रखा हुआ है हमने इनको पाला पोसा बड़ा किया खिलाया पिलाया और जो है ना पाल रहे हैं हम इनको और उसमें बड़ा मशहूर और वरूफ नाम मुंबई के डॉन दाऊद इब्राहिम साहब जो हैं वो क्लिफ्टन कराची में घर नंबर इतने में रहते हैं और वो हमारे पास हैं ये मतलब कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि एक, एक एक चीज़ को जो आप मुसलसल झुटलाते चले आए हैं आप धोखा देते आए हैं दुनिया को आप इनकार ही रहे हैं और आज आपने उसको तस्लीम कर लिया दिस इज़ रियली एम्बेसिंग फॉर एनी स्टेट इन द वर्ल्ड के आपके पास दहशत गर्द पे दहशत गर्द बरामद होते चले आते हैं एबटाबाद का उसामा बिन लादिन हो एहसान एहसान हो हाफिज़ सईद हो डॉन इब्राहिम हो दाऊद इब्राहिम हो ये सब के सब आपके पास से बरामद हो रहे हैं हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आप फैटअ की लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे ग्रे लिस्ट से आप पाक साफ होकर निकल जाएंगे भाई पाला तो आपने इतने अर्से तक है आपने इतने धमाके करा दिए हिंदुस्तान में और अब अब कहते हैं कि जी वो हमने रखे हुए उनको पकड़ लिया है उन्होंने पकड़ भी लिया देखिए बात ये अनिस भाई कि आपने बात की एम्बेरसमेंट की शर्म की बात की तो ये जो रियासत की एस्टैब्लिशमेंट है जाहिर है इसका ही कंट्रोल है पाकिस्तान पर इनके बारे में मैं आपके शोज़ में भी और इधर उधर भी एक पंजाबी का वो मुहावरा या वो जो जोक है वो अक्सर पेश करता हूँ कि इज़्ज़त आनी जानी शायद बंदा टीट होना चाहिए अच्छा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको तो, कोई पहली बार नहीं हुआ तो, ये जिनको जब कभी फैट एफ का मसला हो या वर्ल्ड बैंक का मसला हो आई का मसला हो तो जिनको ये थोड़े से आई वॉश के लिए उनको दहशत गर्द करार देते हैं वही इनके घर दमाद होते हैं वही मतलब हाफिज़ सईद के लिए लेमज़ीज आ रही होती हैं अब वो लेमोजीन तो बहुत छोटी चीज़ है आ, मिस्टर दाऊद इब्राहिम के लिए वो तो आप ही के शहर में रहते हैं मतलब आपके जो पुराने शहर में अब तो आपका और मेरा शहर यही है तो वो खैरों वो तो वैसे भी बहुत रिच आदमी है मुझे समझ नहीं आती कि वो रियात पाकिस्तान को वो खुद क्यों नहीं चलाती अभी हम इकनॉमिक्स की बात कर रहे थे तो वो तो वन ऑफ द रिच नहीं तो सिंध को ही चला लें कम है जहाँ वो रहते हैं और वो मतलब वहाँ पलते हैं हमारे जावेद मिर्जा साहब के रिश्तेदार भी हैं वो आ, और आ, मतलब उनकी तो अब रिश्तेदारियाँ हो गई हैं उस ज़मीन पर उस धरती से वो तो वाबस्ता हो गए हो सकता है उन्होंने मेरे ख्याल है गौर साहब के ऐसा तो नहीं उन्होंने माफियाफी मांग लीमिया से बोला कि जब मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ मुझे जो है ना मुझे अब याद इलाही में सारी ज़िंदगी गुजारने दें वो अभी कोई हाल ही में पाकिस्तान की एक्ट्रेस के हवाले से उनके बहुत ज़्यादा स्कैंडल सामने आ रहे हैं जी अच्छा तो, तो, तो हो सके उनको भी नेक करने के चक्कर क्योंकि हमारे तो एक्ट्रेस भी नेक हो जाती है ना तारिक जमील साहब के साथ जाके चाहे वो वीना मलिक हो या कोई और हो हाँ पता नहीं वो ऐसा ही कोई निज़ाम है चलिए ये तो खैर उनके पर्सनल मामला हैं हम उस पर क्या कमेंट्री करेंगे कुमेंटरी तारिक जमील से याद आया कि तारिक जमील आमिर ख़ान से भी बहुत मिले हिंदुस्तान के जो ज़कार हैं ना और आमिर खान को भी बड़ा करीबी लगाव है हमारे मुसलमानों से और मुसलमानों की तारीख से मुसलमान उलमा से मौलाना तारिक जमील से तुर्की की जो है ख़ातून अव्वल जो है फर्स्ट लेडी उनसे और ये मतलब खाते पीते रहते जो है वो हिंदुस्तान का है और राग अलापते हैं वो तारिक जमील का और पाकिस्तान का तो ये कौन से खान हैं ये कौन से देशभक्त हैं मुझे ज़रा समझाएं तो सही मैं बल्कि मैं ये अपने जो नीचे कमेंट कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ साथ जो लोग कर रहे हैं इनसे भी पूछूंगा कि भाई आप लोग इसको कैसा देखते हो आप बताए हाँ देखिए बात यह है कि आमिर ख़ान साहब को इस्लामिक हिस्ट्री से दिलचस्पी हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं वो तो सबको होनी चाहिए आ, यानी सिर्फ इस्लामिक हिस्ट्री से नहीं पूरी हिस्ट्री से होनी चाहिए इस्लामिक हिस्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री तो वो वो तो ठीक है लेकिन वाकई तारक जमील के साथ आपकी रगबत हो और फिर आप भारत के टॉप के अदाकार भी हों डायरेक्टर भी हों और मैं तो उनकी एक्टिंग का उनकी डायरेक्शन का बहुत कदरदान हूँ लेकिन ये जो उनके खोखले रवैये होते हैं उससे यही साबित होता है कि बस ये जो एक्टर्स हैं इनकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ बिल्कुल नहीं होती बल्कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी भी नहीं होती इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सो कॉल्ड पॉपुलैरिटी चाहिए और पॉपुलैरिटी के साथ इनका पैसा जुड़ा होता है जितने पॉपुलर होंगे उतना पैसा इनको मिलेगा तो ये रवैया है सभी एक्टर्स का सभी बड़े फनकारों का नहीं होता लेकिन इस तरह के फनकारों का तो होता पुल्के, है पुल्के सामने आ जाते हैं ना। क्योंकि तारिक जमील से अकीदत रखना इनकी दो वजहों की बुनियाद पर तो बड़ी अच्छा खतरनाक अच्छा है एक तो जाहिर है मतलब ये भारत के टॉप के एक्टर हैं तो इनका बनता नहीं है पाकिस्तान के मैं कहता तो हूँ अगर तारक जमील नामी कोई शख्स भारत का भी कोई ऐसा कोई हो जिसे कहते हैं पीर सा बना हुआ हो कोई होशो हवास रखने वाला शख्स या कोई होशो हवास रखने वाला मुसलमान कैसे उनकी पैरवी कर सकता है इतने जी जी. बड़े ड्रामा की जो लोग और... उनको जानते हैं उन्हें मालूम है कि वो तारिक जमील जो है वो पाकिस्तान के सरकारी जो है वो मुल्ला हैं और आई एस आई आई एस आई के मुला हैं इमरान खान के मुला हैं और उनसे वाबस्तगी रखना आ, आमिर खान के तो हम भी फ़ैन थे और वो लेकिन शायद उन उन्होंने जो वो गाना गाया था कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा नाम बदनाम करेगा या नाम करेगा ये मुझे नहीं मालूम लेकिन जो फ़ैन की बात होती है ना फैन तो हम बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों के भी तो जावेद अख्तर साहब का भी एक हमारे ज़माने तक बड़ा फ़ैन रहा जब वो बड़े अच्छे अच्छे गाने लिखते थे लेकिन जब वो गाने लिखते लिखते वो डिफ़रेंट बैंड बजाने लग गए तो फिर वहाँ पे मुझे उनसे भी थोड़ा सा एतराज़ हो गया और इस तरह की जो शख्सियात हैं ये हिंदुस्तान में जो दोहरे रवैये रख के चल रहे होते हैं सर एक तरफ तो मौका आता है तो वो वंदे मातरम और देशभक्त बन जाते हैं लेकिन अंदर ही अंदर जो इनके ताल्लुक़ और जो इनकी कनेक्शनज़ हैं वो कभी ना कभी खुल के सामने आ ही जाते हैं तो हम हम ये नहीं कहते कि गद्दार सिर्फ पाकिस्तान में ही होते हैं मैं किसी को गद्दार नहीं कह रहा लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि इंसान को अपनी प्रायोरिटीज़ अपनी नेशनल इंटरेस्ट और अपनी पॉलिसीज़ को सामने रखना चाहिए चाहे वो कोई फ़नकार हो अदाकार हो गलूकार हो या शायर हो जावेद अफसर जैसा जी बिल्कुल आप दुरुस्त कहते हैं मैं तारक जमील जैसे लोगों के हवाले से एक बात मैं यहाँ ज़रूर इजाफा करना चाहता हूँ कि इनको कोई जानता हो या ना जानता हो इनका भाषण आप पाँच से दस मिनट सुन लें आपको इनकी बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती वो भाषण खुद ही बताता है कि ये कितने खोखले और कितने बड़े ड्रामे लोग हैं आमिर ख़ान की सूरत में वो ज़ाहिर है कि उनका एक भारत के टॉप ार होने के नाते वैसे ही एक जो पाकिस्तानी आईएसआई आई के मुला की जो है वो पैरवी करना बनता नहीं अगर वो ना भी हों जैसा कि मैंने कहा वो भारत के भी फ़र्ज़ कीजिए अगर कोई पीर होते तो इस तरह के ख़्यालत रखने वालों के पीछे कोई एक फ़ाइन एक्टर कैसे जा सकता है अगर जाता है तो फिर इसका मतलब उसका अपना खोखला पाना इसी तरह प्रॉब्लम उनकी तुर्की वालों के साथ ऑन बोर्ड जाना है भाई तुर्की की ये जो रजीम है ये वर्स रजीम है जिन्होंने मतलब अभी रिसेंटली वो सोफिया जो चर्च था उसको मस्जिद में बदल दिया कितनी शर्म की बात है यानी ये रस्ते खोलते हैं दुनिया के लिए कि इनके ऊपर अटैक हो फिर जैसे देखिए ना बाबर आया था इसे 500 पाँच सौ साल पहले और बाबर के कुछ वजीरों ने वो बाबरी मॉस्क वस्क जो भी बनाई तो वो एक मंदिर के ऊपर वो काम किया तो कितने शर्म की बात थी अब वही काम एक और तुर्क यानी तुर्की का आदमी बाबर भी तुर्क नजात थे एक और और उनके वजीर भी तुर्क नजात थे और एक और तुर्की का अब सदर ये काम करता है और फिर आप उन्हीं की तारीफ उनसे मिलते हैं तुर्की में सवाल उठाया मैडम के सामने तो चले बात बनती है बाबरी बाबर साहब का और बाबरी मस्जिद साहब का मस्जिद का तो मामला है ट्विटर पर बड़ा एक मजा ट्वीट मुझे देखने को मिला जिसमें कहा कि भाई असल में बाबरी मस्जिद तो वहाँ पहले से थी किसी ने उसके नीचे जा के मंदिर बना दिया था पता नहीं कैसे अंडरग्राउंड टेक्नोलॉजी उस ज़माने में थी तो मतलब अक़ल के होश के नाखून नहीं लेते कि आर्कियोलॉजिस्ट ने दुनिया के माय आसार कदीमा के लोगों ने ये बात साबित कर दी कि वहाँ पर जो थी वो जन्म भूमि थी और उसके ऊपर जो है वो एक मस्जिद की शरंगेजी और फसाद शुरू किया गया था एक बादशाह की तरफ से जिसका इस्लाम से भी कोई दूर दूर तक तो का ताल्लुक नहीं था ना कभी उनको पता था कि इस्लाम है क्या तो वो वो एक ऐसी कहानी है कि मतलब ये तारीख के वो शर्मनाक बाब हैं सियाह बाब जिसे कहना चाहिए कि डार्क चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री कि जो हमें मुसलमानों को शर्मिंदा करते हैं कि ये देखें आपके आ, जो बादशाहों ने और आपके जो काबरीन थे उन्होंने क्या काम किया था बैक टू दारिक जमीन साहब मैं यही कहूँगा कि देखें उन्होंने रियासत की जो लाउड स्पीकर हैं वो बन के किरदार अदा किया उन्होंने पाकिस्तान की गरीब आवाम को जिनको जिनके पास खाने को पैसा नहीं है वो मनोरंजन पेश किया है आ, सत्तर और बहत्तर हूरों की शक्ल में उन्होंने सेक्स मार्केट की वो मार्केटिंग की है कि मैं बता नहीं सकता कि लोग किस तरह से जो कम इल्म कम सोच रखने वाले नौजवान हैं वो अपने आप को फाड़ने को भी तैयार हो जाते हैं कि चलो यहाँ नहीं मिली तो वहाँ जाके मिल जाएगी बहत्तर हो रहे हैं हमको यानी कि रिलीजन बट uh, uh, मौलाना इज सेलिंगस्ड ऑन दिस इज अगेन हम सब के लिए एम्बेसमेंट की बात है कि ये रिलीजन सेक्स बेस्ड नहीं है जिसको सेक्स बेस्ट बना दिया गया है व्हाट डू यू थिंक अबाउट देखिए वो uh, मौलाना तारक जमील ने तो एक हरम सा बनाया हुआ है ना बल्कि एक ऐसी क्लब सी बनाई हुई है जो हम उनकी बातें सुनते हैं तो जो फैसिनेट करते हैं बेचारे गरीब लोगों को और उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि उनको तो फिर भी मौलाना तारक जमील की कुर्बत भी नसीब नहीं होगी कुर्बत तो मौलाना तारक जमील की नसीब होगी इमरान ख़ान साहब को जो पहले ही उस क्लब के हैं हमेशा से उस क्लब के हैं तो इस तरह की जो एलीट है वो अब तारक जमील साहब ने जिस तरह की क्लब बनाई हुई है वो इलीट को ये सहूलत मिलेगी अब पता नहीं ज़रा मेरे अल्फाज सख्त हो गए हैं इससे क्या मुराद है कि तारक जमील साहब किस किस्म का कारोबार कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर बदकस्मती से है सर सर आज आज आपने आज आपने एक के बाद एक जो है ना मेरे जो है ना वो बटनों को दबा दिया है और मैं फिर एक और आपने मेरा दुखती रग पे हाथ रखी है कि जो आपने इमरान खान साहब का जिक्र कर दिया मैन ऑफ द ईयर इनको जो है जॉर्डन के एक मैगजीन ने अवार्ड अता फरमाया है जी जी और मैं, मैं ये अपने अंदर काफ़ी देर तक सवाल करता रहा कि ये मैन ऑफ द ईयर का क्राइटेरिया क्या होगा क्योंकि मैंने सोचा कि अगर इस क्राइटेरिया में थोड़ा सा इजाफा कर देते तो मैन ऑफ द सेंचुरी भी हो सकते थे वो ऐसे कि देखिए एक आदमी जो कि तीन शादियाँ कर चुका है अगर वो चौथी कर लेता तो मैन ऑफ द यूनिवर्स हो जाता अच्छा एक इस्लामी मुल्क का मैन ऑफ द ईयर देने का क्राइटेरिया ये है कि उसने तीन शादियाँ की हुई हैं उसने एक मिस्ट्रेस रखी हुई थी उसकी एक उसका एक लव चाइल्ड है एक डॉटर है और उसके बेतहाशा प्ले बॉय स्टोरीज हैं एंड दैट इज़ द मैन ऑफ द ईयर इज़ दैट द क्राइटेरिया नाउ पीपल आर कंसिडरिंग इन द वर्ल्ड सो दिस इज़ अगेन जो है आपने मेरी दुखती रख को छेड़ा और मुझे बोलना पड़ा मैं इसको इशू को नहीं लाना चाहता था ऑन ईयर बट डू यू थिंक द करैक्टर दैट इमरान खान हैड इन हिज लाइफ द प्ले बॉय स्टाइल उसके बाद सीता वाइट को के साथ वो मिस्ट्रेस बना के उन्होंने रखा उनको कभी एक्सेप्ट नहीं किया वाइफ अपनी उन्होंने बुशरा मानिका के साथ जो है दौरान इद्दत शादी की और उनको तलाक़ दिलवाई एक आदमी से शादीशुदा बड़े बच्चों के बीवी से उनकी टैरिन टैरिन टेरे, टे, वाइट के नाम से एक बेटी है जो कि जमा के साथ रहती है उनके दो दीगर ब्रिटिश बे, बच्चों के साथ तो ये क्राइटेरिया अगर हम देख रहे हैं तो फिर तो आप यकीन करें कि मेरा तो एवार्ड पे से तमगों पे से और ये जितने भी नोबल्स हैं इन सब पे मेरा भरोसा ख़त्म हो जाएगा सर ये ये ज्यादती है इनको ये सोचना पड़ेगा इन चीज़ों को देखिए बात ये है कि जितनी उनकी पर्सनल ज़िंदगी के मामलाते हैं मैं तो इस तरह के शख्स हूँ मैं तो किसी की पर्सनल जिंदगी पर कमेंट भी नहीं करता वो उनका ज़ाती फेल है और लेकिन चूँकि वो प्रेजिडेंट ऑफ सॉरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं तो उन पर क्वेश्चनिंग मीडिया भी कर लेंगे ठीक है चूँकि और फिर वो इस तरह की बातें खुद करते हैं पर इसके बावजूद मैं ऐसी तौर तो पर यह समझता हूँ कि वो बहरहाल उनके मामलाते हैं अगर मैं एथिकली देखूँ तो उनके और आ, उन लोगों के बीच का मामला है जिनके साथ उनके जो भी तलक आते हैं वो दला टू स्पीक ऑन लेकिन जॉर्डन के वो जिस मैगजीन का आप जिक्र कर रहे हैं उन्होंने मैन ऑफ द ईयर का जो दिया वो तो उन्होंने इस, बीस बीस का जो काम इमरान ख़ान ने किया होगा एज़ प्राइम मिनिस्टर उसकी बेस पर दिया होगा लेकिन सवाल यह है कि जॉर्डन के उस मैगज़ीन की क्या हैसियत है अगरचे जॉर्डन का मैगजीन जॉर्डन ख़ुद दुनिया का एक छोटा सा मुल्क है उसका एक मैगज़ीन उनको ये एजाज़ बख्शता है ये एजाज़ हो सकता है आप टाइम्स में भी कभी देख लें क्योंकि अब दुनिया का मीडिया इसी तरह का हो चुका हुआ है चले आप कह ते... रहे हैं मैं मान लेता हूँ ताहिर भाई आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ कि उनकी एक साल की परफॉर्मेंस पिछले किरदार की बात नहीं करते चले ठीक है ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ लेकिन अब मुझे बताएं कि एक सरबराह ममलिकत हेड ऑफ द स्टेट जिसकी जो जो उसकी जो व्यक्ति होते हैं जो उसके शहरी होते हैं जो स्टेट होती है वो उसके बच्चे होते हैं और वो उनका माए बाप होता है आप मुझे बताएं कि क्या इमरान खान की रियासत में बच्चियां महफूज हैं क्या इमरान खान की रियासत में किसी का दीन ईमान फेत महफूज है क्या लोगों की प्रॉपर्टी महफूज है क्या वहाँ पर रहने वाले दीगर जो लोग हैं मज़ाहब के और फेत के वो उनको आज़ादी है कि वो जी सकें सुख का सांस ले सकें चैन की नींद सो सकें क्या वहाँ पर रहने वाले हिंदू बच्चियाँ सिमरन की मैं बात करूँ जो कि अभी इस वक्त ज़बरदस्ती जबरन एक कब्ज़े में एक इंसान के उसको उसके उसको बेच दी गई है शादी करके कि ये मुसलमान हो गई है और उसके भाई तड़प रहे हैं कि हमारी मुलाकात करा दो ये एक मिसाल नहीं है ऐसी इतनी मिसालें हैं फिर उसके अलावा सिंध की जो ज़मीनों से उनको बेघर किया जा रहा है उनके घरों से उनको निकाला जा रहा है उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा किया जा रहा है लोग शोर मचा रहे हैं हम आवाज़ बुलंद करते हैं तो ये हेड ऑफ़ द स्टेट का किरदार नहीं था इस पर मैं इनको अवार्ड देता अगर ये इनकी टेक केयर करते जो कि एवरी बडी इज़ इक्वल इन इन स्टेट ऑफ पाकिस्तान दैट वॉज दी औरिजनल आइडियालॉजी और इमरान खान तो उस पर पूरा नहीं उतरे तो, तो मैं तो उनसे कहूँगा वो अवॉर्ड वापस करें हर वो जो एवॉर्ड या उनको जो एजाज़ मिला है वो वापस करें ना करें उससे फ़र्क क्या पड़ना है आपने बात ये की कि जिस रियासत में लोगों का दीन ईमान जिंदगी महफूज ना हो जी। वो बड़ी ही अफसोसनाक बात है जहाँ तक आपने सिमरन का हिंदू बच्चियों का सिख बच्चियों का और क्रिश्चन बच्चियों की वहाँ पे जो हालत जा रहा है उसकी तरफ़ इशारा दिया तो वो तो कोई अब डकी छुपी बात नहीं है सिर्फ हिंदू बच्चियाँ जो हैं एमनेस्टी और दीगर इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक एक हज़ार से ज़्यादा हर साल इस तरह के जुल्मों सितम का शिकार होती हैं ये रिपोर्टेड केसेस हैं अनरिपोर्टेड तो इससे भी कहीं ज़्यादा होंगे मतलब अभी ये करतारपुर की बात पिछले साल हुई और शायद सितंबर गलबन आठ सितंबर को उसकी एनिवर्सरी भी आएगी तो वहाँ पर गुरु नानक बाबा जी द ग्रेट के शहर ननकाना साहब के ग्रंथी यानी जो प्रीस्ट हैं सिख प्रीस्ट उनकी बेटी मिस कौर को जबरन अगवा किया गया जबरन शादी की गई फोर्स कन्वर्जन टू इस्लाम हुई आयशा उनका नाम हो चुका हुआ है गवर्नर पंजाब पाकिस्तान ने यकीन दहानी दिलाई उसके बाप और बेटों को कि आपकी बेटी और बहन वापस मिलेगी वो अभी तक नहीं वापस मिली तो जब इन्होंने ख़ास तौर तो पर करतारपुर के सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि एक तरह से इमरान ख़ान और पाकिस्तान की रियासत ने सिख कार्ड या खालसानी कार्ड खेला था इसके बावजूद भी शर्म नहीं आई कि बच्चियों को तहफ़ फराम किया जाए कम अज़ कम उन ख़ानदानों की बच्चियों को ही तहफ़ फराम करते जिनके नाम का ये जैसे सिख कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे इन्होंने ऐसा भी नहीं किया अच्छा ये इल्ज़ाम सिर्फ सिर्फ पाकिस्तान की इस्टबलिशमेंट या मैं इमरान खान के सर पर ही नहीं थोपना चाहता ये प्रॉब्लम चूंकि सिंध में ज़्यादा होता है तो पीपल्स पार्टी के ही एम एन एम पीज़ जो एम एल ए जो भी वहाँ पर होते हैं वो भी इसमें इन, इन्वॉल्व हैं तो किसी को कोई खौफ खुदा नहीं है और कोई शर्म और लिहाज नहीं है कि कोई इंसानियत की बात ही कर लें तो ये तो वहाँ पे लॉलेसनेस की इंतहा है नहीं सर तो आप बात दुरुस्त कर रहे हैं लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब हम देखते हैं कि एक तरफ तो एफ का मामला है एक तरफ टेररिज्म का मामला है एक तरफ इंसानी हकूक का मामला है ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो फिर एक इस दौर में हम लोगों को इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए अच्छा डिप्लोमेटिकली भी इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा दीगर रियासें हैं जो पड़ोस की रियासतें वो भी इस पर काम नहीं करें वो अपने अपने मसलों में उलझी हुई खैर ये मसला तो चलता रहेगा एक और जो इशू जो पाकिस्तान की जब हवाले से ही बात कर रहे हैं मैं हिंदुस्तान पर भी बात पर आऊँगा मुझे एक और इशू पर बात करनी है मुझे याद अगर आगे रहा तो मैं तो करूँगा लेकिन जो सिंध में सूरत हाल इस वक्त सैलाब की सी है जो बारिशों के बाद पाकिस्तान का माशी हक कराची अफसोस की बात है कि इस वक्त डूबा हुआ है इसको आप कैसे दे नहीं बड़ी आ, अफसोसनाक सूरत हाल है और एक तरफ तो शहर डूबा हुआ है दूसरी तरफ सियासी रस्ाकशी भी अपनी इंतहाओं को छो रही है सियासी रस्ाकशी का ये आलम है कि मेयर का ये कहना है कि कोई भी यानी ना तो प्रोविशल या सेंट्रल सरकार सुनती है आ, उनकी बात और सेंट्रल सरकार ये कहती है कि जो कुछ करना है वो लोकल सरकारें करें प्रोविंशियल करें और म्यूसपल सरकारें करें तो करना किसी ने भी कुछ नहीं है इस सिलसिला में मैं बल्कि आपसे जानकारी चाहूँगा क्योंकि जो इस वक्त के मेयर हैं वो आपके वाकफ़कार भी हैं पुराने तो क्या वाकई ही ये जो सूरत हाल है कराची की अनिश भाई आप समझाएँ हमारे नाजरीन को कि ये कौन दुरुस्त कर सकता है या इंफ्रास्ट्रक्चर अब इतना खराब हो चुका हुआ है कि उसकी दुरुस्ती दुरुस्त बड़ा मैं आपको बहुत सिंपल अल्फाज में सबको समझा समझा देता हूँ कि कराची जितने बड़े भी दुनिया के शहर हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं बहुत सिंपल फार्मूला है उसका बजट जो है वो होता है तीन से चार अरब डॉलर यानी कि ताकि उस शहर की पुलिसिंग उसका ड्रेनेज सीवरेज वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर मास कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन ये सब चीज़ें उससे पूरी होती हैं एजुकेशन का सिस्टम हेल्थ का सिस्टम 300 से 400 अरब डॉलर का बजट होता है कैन यू बिलीव कि कराची जैसे बड़े शहर का जिसके तीन करोड़ आबादी अनऑफिशली uh, uh, कही जाती है और उससे कहीं ज़्यादा है वो 40 फोर्टी भी नहीं है वहाँ पर बिलियन कैन यू मिलियन डॉलर सो कहाँ तीन चार सौ मिलियन डॉलर कहाँ ये मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आ, तीन सौ रुपये और अड़तालीस रुपये का फ़र्क अगर हम समझ लें तो यहाँ पे आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा मेयर हो या कोई भी हो सर आप दुनिया के किसी भी आदमी को ला के बैठा दें जब तक फंडिंग की ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर को उस वक्त तक ये नहीं होगा अच्छा मैंने इस ये सैलाब की सिचुएशन में मैंने एक अनालज़ किया क्योंकि मेरा थोड़ा सा वहाँ की जो लोकल काउंसिल्स हैं उनसे कनेक्शन रहा है एक ज़माने में वहाँ पे होता क्या था सर कि कराची एक यूज़ टू बी अ वेरी ड्राई सिटी कभी बारिशें नहीं होती थी वहाँ पे और वहाँ पे लोगों ने जो ड्रेनेज के नाले और जो सिस्टम बनाया है इसके इस पर अरबों खा लिया बना बना के पेपर्स पे ही और ये सोच के कि यार यहाँ बारिशें वारिशें तो होती नहीं है कौन पूछेगा अब हम देख रहे हैं चूँकि ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है और बारिशें हो रही हैं तेज़ी से और उस रीजन में मतलब कई कई सौ मिलीमीटर बारिश एक एक दिन में हो जाती है तो वहाँ पे उन्होंने वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ही नहीं था उसको खा पी गए उसमें सारे पॉलिटिकल लोग शामिल हैं तमाम सियासी जमातें सूबाई जमातें जो लोकल काउंसिल हैं वो शामिल हैं उन्होंने द्रे... वाटर सप्लाई पे तो काम किया नो no डाउट क्योंकि पीने का पानी आपको 24 घंटे चाहिए लेकिन उसके सोरेज एंड ड्रेनेज पर काम नहीं किया क्योंकि वो उस वह उन्होंने वाइट वॉश कर दिया कि जी ये तो कोई यहाँ बारिश ही नहीं होती यहाँ कभी पानी का सवाल ही नहीं पड़ता लेकिन अब आप देख रहे हैं कि वो उनको सामने नजर आ रहा है अच्छा आप एक और जो इसका ज़िम्मेदार अगर आज जिम्मेदार की बात पे आ गए ना तोमेदार मुझे एक ही नज़र आता है वो है पीपल्स पार्टी इसलिए कि देखिए पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर सालों सालों साल हा साल हुकूमत की है प्रोविनशल असम्बली में आपको मालूम है कि हमेशा वहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहती है वो लोग रहते भी उसी शहर में उनकी असम्बली भी उसी शहर में उनके मकान भी उसी शहर में वो चलते फिरते गाड़ी भी दौड़ाते हैं उन्हीं शहर में लेकिन उसका सोचते नहीं हैं उसकी वजह क्या है कि वो जब ईद आती है या कोई दीगर मौका आता है तो वो शहर वीरान हो जाता है उस शहर को लोग छोड़ के चले जाते हैं वहाँ से लोग वो जो परिंदे हैं वो उड़ जाते हैं और वो अपने अपने असल शहर गाँव में ग्राम में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर उनको उसकी फलाह का ज़्यादा ख्याल रहता है वहाँ के लोगों की बेहतरी का ज़्यादा ख्याल रहता है लेकिन जो शहर पाल रहा है इस वतन को इस मुल्क को सिक्सटी फाइव परसेंट रेवनीू जनरेट करके दे रहा है उसकी फ़िक्र नहीं कर रहे ये वो गौर साहब महरूमियाँ हैं जो आपको मालूम है कि ईस्ट पाकिस्तान के वक्त भी यही यही कुछ हुआ था ये वो महरूमियाँ जो सुई में रहने वाला बाशिंदा महसूस करता है कि उसके गांव से सुई गैस निकल रही है और उसका चूल्हा नहीं जलता और लाहौर में चूल्हे जलते हैं और फैसलाबाद में और कराची में चूल्हे जलते हैं तो ये वो महरूमियाँ हैं अगर ये महरूमियाँ दूर नहीं की गई जो कि नहीं की गई हैं तो अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे बगावत का अलम बुलंद हो रहा है आप देख रहे हैं कि अब रेजिस्टेंस शुरू हो रही है अब आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई फ्री मूवमेंट आपको नजर आ जाती है सिंधु देश के नाम से कर लें बलूचिस्तान कर लें फाटा की तरफ कर लें गिलगित बल्चिस्तान की बात कर लें ये क्यों होती हैं ये ये किसी को शौक नहीं होता कि वो हटे लेकिन जब आप उनको हक़ नहीं दे रहे होते जब आप उनको दाखिले नहीं दे रहे होते जब आप उनको तालीम नहीं दे रहे होते जब आप उनको सेहत नहीं दे रहे होते और जब आप उनको फंड्स ही नहीं दे रहे होते उन्हीं का पैसा लेकर आप उनको पैसे नहीं दे देते यानी कि मैंने आपसे कहा ना कि सिक्सटी फाइव परसेंट रेवनीू देता है कराची Uh, उसमें से आप उसको बारह रुपए दे देते अपना काम चला लेना ये, ये, ये वाकई बिलाशुबा आपने सही तौर पर बताया हमारे नाजीन को कि ये बुनियादी तौर पर चला अब आप देख लीजिए अनिस भाई मैं बाद से बात जोड़ना चाह रहा हूँ कि अमेरिका में इलेक्शन आ रहा है लेकिन उस इलेक्शन के सिलसिले में बहुत सारे हंगामे हो रहे हैं राइट्स हो रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहे हैं Uh, और उससे यह पता चल रहा है कि अमेरिका जैसे मुल्क जो दुनिया की सुपर पावर है वहां के जब बड़े शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर या वहां की जब एडमिनिस्ट्रेशन आपस में एक बोर्ड पर नहीं होती तो किस तरह लाकनूनीत अनारकियत फैलती है बिल्कुल बिल्कुल तो ये डेमोक्रेसी तो नहीं रही ना सर डेमोक्रेसी का जो सिस्टम जो एसेंस होता है वो तो नहीं रहा ना बचा Right. आ, अब आप देख रहे हैं कि अमेरिका में भी अब पिछले चंद सालों से आपने नोट की होगी बात कि वहाँ पे भी एक स्टेब्लिशमेंट का किरदार सामने आ रहा है और वो जो रियल सिविल लिबर्टीज एंड वैल्यूज़ हुआ करती थी वो अब शायद नहीं रही हैं वो इसके पीछे एक माफियाज लग गए हैं जिसमें मैं माफिया से मुराद मेरी क्रिमिनल नहीं है लेकिन माफिया से मुराद वो एक्नॉमिकल एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट रखने वाले लोग और कॉरपोरेट्स कंपनियाँ हैं जो कि जिनके मफाद वाबस्ता हैं उसमें फ़ार्मास्यूटिकल भी हो सकता है उसमें इंश्योरेंस की जो है वो इंडस्ट्री भी हो सकती है और उन सब के इंटरेस्ट होते हैं अपने अपने कैंडिडेट के साथ अच्छा ट्रंप साहब आपको मालूम है कि एक बिजनेस मैन है एक कारोबारी आदमी है और वो अमेरिका को शुरू में तो लेके चले थे फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और उसके लिए उन्होंने बड़े सख्त सख्त फैसले भी किए चाहे वो चीन के खिलाफ करना पड़ा हो चाहे कभी कभी वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ भी करते थे लेकिन फिर बाद में उनकी दोस्ती हो गई थी तो ये आने वाला इलेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है आ, इसमें हमें ये देखना होगा कि ट्रंप और जो बाइडन कैंप जो है ये कंट्री को किस तरफ लेके जाते हैं लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पुरीद नहीं हूँ ताहर भाई ये जो जो बाइडन कैंप है मैं इससे पुरुद इसलिए नहीं हूँ कि ये कोई इतना विजन नहीं रखते और फिर जिस तरह से ये सिर्फ वोट बैंक की पॉलिसी या खेल खेल रहे हैं सिर्फ वोट बैंक को लेने की खातिर वो भी इतना हेल्दी एक रवैया नहीं है जिस तरह से ये लेकर आए है, हैरिस कमाला हैरिस को लेकर आए और जो इन्होंने एथनिक कार्ड खेला है कोशिश की है ख़ुद जो बाइडन की आपको मालूम है अच्छी खासी उम्र हो चुकी है सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग इन द कमिंग डेज कि इसको हम मोनिटर करते हैं और आप भी इस पर बताइए अपनी टू सेंट्स हमें देखिए बात यह है अनिश भाई कि अमेरिका में जो ये या पोलराइज पॉलिटिक्स की सूरत हाल है ये बहुत पुरानी है ये कोई नई नहीं, नहीं है लेकिन आज के सोशल मीडिया के वाइब्रेंट ज़माने में अब पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा दिख रही है जी, अब जो सूरत हाल है वो ये है कि आपने एथनिक कार्ड्स की बात की जिसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी कहते हैं तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पहले भी होती थी अब वो बहुत बढ़ गई है मैंने जिस बात से जोड़ी जो अमेरिका के शहरों की, की सूरत हाल को कराची से वो ऐसे ही मुझे ख्याल यूं आया कि वो जो डिफरेंट कम्यूनिटीज़ की आपस में टेंशन और तनाव की सूरत हाल है जो आप खास तौर पर देखते रहे होंगे अपने वहाँ पर पाकिस्तान में क्याम के दौरान कराची में खासतौर पर जी 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 और हमने पूरे पाकिस्तान में भी है ऑब्जर्व की लेकिन कराची डिवाइड एंड रूल हाँ कराची एक तरह से सेंटर होता था ये सारी सूरत हाल का अब यहाँ पर आपने दुरुस्त कहा कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट हैं वो बुनियादी तौर पर एक्सट्रीम uh, ग्रुप्स के हैं जिनके पीछे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉरपोरेशन होती हैं जी कॉरपोरेशन्स के हवाले से ये ज़्यादातर इम्प्रेशन ही होता था कि राइट विंग right की होती हैं लेकिन हमने कुछ दहाइयों से देखा कुछ डिकेट से कि अब कॉरपोरेशन ज़्यादातर जो हैं वो एक्सट्रीम लेफ़्ट की तरफ चली गई हैं मिसाल के तौर पर वॉलमार्ट को भी यही शौक होगा कि भाई हमने हर अपनी चीज़ हर किसी को बेचनी है जी। तो हमें हर एक का ताज पहनना है बिल्कुल अच्छा मल्टीकल्चरलिज्म बहुत अच्छी चीज़ है मतलब मैं उससे उसके खिलाफ भी नहीं हूँ मगर जिस तरह से उसकी मैनिफेस्टो होती है इम्प्लीमेंटेशन होती है वो बहुत गलत तरीके से होती है हमारे यहाँ कनाडा में अमेरिका में भारत में मल्टीकल्चरलिज्म ये है कि भाई आपने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करनी है मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब ये थोड़ी है कि पूरा अमेरिका कनाडा जो है ना वो कड़ी और समोसा खाए और जो दूसरे समोसा खिलाने वाले लोग हैं वो उनके साथ बैठ के बर्गर ना खाएं जी ये ऐसे जी. नहीं चल रही ये बात ऐसे नहीं चलती होती कि भैया वन वे ट्रैफिक होती है असल में बात हो गई है इंसाफ की जो इक्वालिटी की आप नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं ना जी तो ये बात है उस चीज़ की और ये बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है और ये ये देखें बड़ी जो दुनिया की रियासतें हैं ना इनमें ये सारे मसाईल आते हैं मैं आपको हिंदुस्तान की मिसाल वापस लेके चलता हूँ जी जी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है वहाँ पे। मतलब बहुत सारे लोगों को शायद ये बात नहीं पता खुद इंडियंस को ये बात नहीं मालूम कि वहाँ पर आप मस्जिद बना लें और मस्जिद चला लें या आप वहाँ पर चर्च बना लें और चर्च चला लें कोई सरकारी टैक्स नहीं लगता लेकिन अगर आप मंदिर बनाते हैं टेम्पल बनाते हैं तो वो टैक्सेबल हो जाता है सो नो टैक्स फॉर एवरीबडी एल्स एंड जो उस धरती का उस सनातन धर्मा का जो जो पूजा का जो वो है सेंटर है उस पर टैक्स है तो अब आप मुझे बताएं कि ये कौन सा सेकुलर भारत है ये कौन सी जो है इक्वालिटी है ये कौन सी फेयरनेस है जो कि आप मतलब वो अपीजमेंट की बात आपने कर ली ना तो मैं उसी तरफ लेकर आ रहा हूँ आपको कि ये इस तरह से क्या हम लोगों को सिर्फ सारी उम्र खुशी करते रहेंगे कि यार तुम खुश हो जाओ चलो तुम्हारे पे टैक्स भी नहीं लगाते मौलाना साहब आप भी खुश हो जाए जी पादरी साहब आप पे भी लेकिन पंडित जी आप टैक्स लगेगा राइट right. देखिए बात ये है कि भारत की एक लंबे समय से ये साइकोलॉजी रही है खास तौर पर जो हमारी हिंदू सिविलाइजेशन का रवैया है जो बड़ा हम्बल रवैया है जी उनके रवैये में शामिल ये होता है कि भाई मेरी खैर है तो तुम्हारी मैं परवाह करता हूँ लेकिन वो एहसास अब हो रहा है भारत की हिंदू सिविलाइजेशन के लोगों को कि भाई हमने ये साल हा साल से सेंचुरी से क्या खोया और क्या पाया चूँकि वो, वो मतलब डॉक्टर रिजवान जी हैं जो वहाँ पे भारत में होते हैं बड़े सेकुलर हैं मैं उनसे कभी मिला नहीं उनकी एक बात मैं सुन रहा था उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी ने ही हमेशा रूल किया है वहाँ पे यानी एक लंबे अरसे से हम देखेंगे कि पहले वो माइनॉरिटी वो आते थे अफ़ग़ानिस्तान से और सेंट्रल एशिया से कुछ लोग और वो चंद लोग होते थे वो मेजोरिटी पर रूल करते थे फिर ये अंग्रेज़ों ने डेढ़ दो सौ साल रूल किया ये कोई ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में आए थे और रूल किया उसकी वजह से जो हिंदू सिविलाइजेशन का एक हम्बल जो एटीट्यूड है वो उसको एक्सप्लॉयट करते रहे ये इन्वेडर्स नहीं 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 ऐसा नहीं है सर एक्सप्लोइ नहीं करते मैं आपको बताऊं आपने कहा ना रूल किया माइनॉरिटीज ने जो आई और वाकई ये फैक्ट है तो मुसलमानों ने भी रूल किया और रूल नहीं किया उनको रूल करने दिया गया ठीक मतलब है। ये अपना दिल अपना दिल बड़ा करके आ, उन्होंने कहा कि बाहें खोल के कि जी आप करें आप आपको भी मौका देते लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार अगर किसी ने आपको मौका दिया तो फिर आप उनके साथ ज्यादी तो नहीं करो ना कि आप एक अक्सरियत के साथ जो है आप उनको माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करो या उनके साथ आप Uh, जो है ना फाइनेंशियली टैक्स करो या आप जो है उन उनको ही बोलो पंडित जी आप यहाँ से बाहर निकले कश्मीर हमारा है आ, या ये कि आप जो है ना वो चुप रहें हमने ये करना है अभी जो है ना यहाँ से मुहर्रम का जुलूस निकलना है अभी जो है बारह भी लोगों का निकलना है दुकानें वकानें सब मतलब वो कितना कितनी स्पेस देंगे कितना अकोमोडेट करेंगे तो फिर वही बात आ गई कि इन, ये इंसाफ तो ना हुआ ये फेयरनेस तो नहीं हुई ये इक्वलिटी तो नहीं हुई ये तो, तो सरासर खुल्म खुला डिस्क्रमिनेशन हो रही है और मैं ये कहता हूँ कि जब डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो फिर जब माइनॉरिटी के खिलाफ माइनॉरिटी के खिलाफ होती है तो सब चीखने पर लग जाते हैं लेकिन जो वहाँ की आबादी है जो वहाँ के रहने वाले हैं जो रिहायशी हैं जो उसकी अक्सरीत है उनके साथ होती है तो वो उस पर बात नहीं करो जी बात नहीं करो क्यों नहीं करो बात मुझे तो ये समझ में नहीं आती बात देखिए बात यह है ना कि अब वही हो रहा है कि जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की दो सरकारें बनी हैं पहली सरकार से अब तक उन्होंने यही कहा कि भाई जो हमारे राइट्स हैं जो हमारी स्पेस है वो तो ना छीन देना हम अपनी स्पेस अपने राइट्स क्लेम करते हैं अभी तो, पूरे क्लेम नहीं किए कुछ क्लेम करने शुरू किए तो वो आप देख लीजिए क्या सूरत तो, हाल हुई इसलिए कि लोग आधी नहीं हैं वहाँ के जी, यही सूरत हाल मैं अमेरिका के साथ रिलेट करता हूँ अमेरिका में भी जो जो मतलब सेटलर अमेरिकन हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई बात यह है कि अमेरिकन जो वैल्यूज़ हैं जो अमेरिकन सिस्टम है उस पर इल्हाम उमर की आइडियालॉजी तो ना थोपे ना या उस पर इधर उधर की एक्सट्रीम लेफ्ट की आइडियालॉजी तो ना थोपे ना आप ये कहते हैं जी इस्लामोफोबिया है भाई कहाँ का इस्लामोफोबिया है जब अमरीका में बहुत सारे मुस्लिम जो हैं वो मैंबर हैं सैनट या कांग्रेस के और पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हैं उनका बड़ा अहम रोल है तो ये विक्टम उनका कार्ड तो ना खेले ना भारत में तो इससे भी ज़्यादा वो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं हर जगह पर हैं और होना चाहिए लेकिन उसके बाद ये वावेला तो ना चाहें ना कि भाई हम मारे गए लुटे गए तो ये जो मेजॉरिटी जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पेस भी ले रही है वो कह रही है कि भाई हमने मिलजुल के रहना है समाज में ये नहीं है कि आप मेजॉरिटी को दीवार पे लगा दें और मेजोरिटी को ही सुबह शाम बुरा भला कहते रहें यही इस वक्त ट्रम्प साहब इस बात का भी फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि ट्रम्प साहब उतने विजनरी पॉलिटिशन नहीं हैं जितने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या उनकी टीम के लोग हैं ये तो बात तय है लेकिन ट्रम्प साहब की जब ये बात सुनते हैं अमेरिकन से उनको बात समझ आती है मुझे यह अफसोस होता है कि अगर ट्रम्प साहब इतने ज़्यादा बलंडर ना उन्होंने किए होते या वो उनकी इतनी ज़्यादा लूज टंग ना होती तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था अपनी इस मेजॉरिटी की स्पेस से जो चाहिए चूंकि अगर ये कोई कहे जी कि अमेरिका एक रेसर सोसाइटी है तो फिर दुनिया में या भारत कोई रेसर सोसाइटी है दोनों के हवाले से तो फिर तो मेरी तो हैरत से मैं वो सवाल उठाता हूँ कि भाई फिर कौन सा मुल्क है जो इतना ज़्यादा एकोमोडेटिव हो अमेरिका हो कनाडा हो भारत हो ये तो ख़ास तौर पर टॉप के एकमोडेटिव कंट्रीज हैं जब आप इनको रेसिस कहते हैं तो फिर तो कोई खौफे खुदा करें उसकी वजह ये है कि ये तो मकम्मल तौर पर अपना तन मन आप पर वो जैसे कहते हैं ना वारे किए हुए हैं और आप इनको भी रेसिस मुल्क कह रहे हैं अच्छा प्रॉब्लम ये होती है ना कि जो आपने देखा होगा कि आ, ए, कुछ ऐसे ए, हम डॉन की बात हुई थी ना तो मैं वो डॉन की तरफ ही वापस आ जाता हूँ जी कि कुछ डॉन ऐसे इस, इस सोच भी डॉन एक सोच का नाम है आ, मतलब डॉन एक ऐसी सोच का नाम है जहाँ पे जब आपके पास पैसा और ताकत आ जाती है तो आप हर डिपार्टमेंट में हर शोबे में आ, उसको इस्तेमाल करते हैं और दूसरे को दबाते हैं और दूसरे को कुचलते हैं आपने देखा कि एक मतलब बड़े प्यारे अदाकार हमारे सुशांत साहब थे आ, उनको जो सुसाइड आ, सुसाइडल उनका जो मर्डर हुआ है जो भी हुआ उनके साथ एक सोचा समझा खेल ऐसा रचाया गया उनको उस नहज तक पहुंचाया गया आ, और वो उसके पीछे वही एक ताकतवर माफिया था जो कि जिनके अपने अपने कॉरपोरेट इंटरेस्ट थे या जो भी कह लें आ, और उस पर आवाज़ उठाना आपने देखा कि बहुत कम लोगों ने हिम्मत की लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं उन लोगों को इंक्लूडिंग कंगना रनावत जी को कि उन्होंने ये कोशिश की कि ये आवाज़ उठी रहे चलती रहे बढ़ती रहे और उस पर लोगों की तवज्जो रहे ताकि ये मामला दब ना जाए और जो लोग अपने आप को वहाँ पर खुदा समझते हैं जो लोग अपने आप को वहाँ पर कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर और डायरेक्टर की औलाद समझते हैं या जो लोग अपने आप को कोई बहुत बड़ा भाईजान समझते हैं उनको भी पता चले कि ऐसी ऐसी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल ही कोई अंधी नहीं लगी हुई है कि आप जो दिल चाहे करते फिरें और आपको कोई पूछने वाला ना हो अब मेरे ख्याल में लोग उठ कर पूछना शुरू हो गए नहीं देखिए बहुत अहम पेशर है बॉलीवुड में भी ख़ास तौर पर एक ख़ास तरह की एक्सट्रीम लेफ्ट की दादागिरी कुछ दहाइयों से बनती चली आ रही थी अब सुशांत बेचारे की मौत अब वो ये कंफर्म नहीं है कि सुइसाइड है या आ, कोई ऐसा मर्डर का केस है इस पर तो अब भारत की सबसे बड़ी जो इन्वेस्टिगेशन का अदारा है सी बी आई काम कर रहा है वो तो हम सब मुंतज़र हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन की क्या फाइंडिंग्स आती हैं वो अपनी जगह पर लेकिन ये एक अवेयरनेस की जो पुकार है वो अब गूंज रही है और बॉलीवुड के वो जो दादागीर हैं उनको अब मुंह छुपाना फिर रहा है फिर रहे हैं मुंह छुपाते फिर रहे हैं इसलिए कि ये एक ऐसी कैंपेन शुरू हुई है अब लोग बहादुरी के साथ सामने आए हैं अब देखिए सुशांत की भी तो बहादुरी ही थी ना कि वो उस आ, एक तरह से बहुत ही एलीट क्लब में अपने टैलेंट की वजह से घुसा ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं ऐसा हुआ था इससे पहले भी बड़े बड़े अदाकार अमिताभ बच्चन जी हैं इवन शाहरुख खान हैं ये सब कोई एलीट क्लब के लोग नहीं थे मेहनत से घुसे थे और इन्होंने अपनी जगह बनाई मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहरहाल उन्होंने एक माफिया सा अनसीन किस्म का माफिया सा बना लिया हुआ है अब वो जो पावर गेम है जो आपने कही कि डॉन वो होता है जिसके पास पैसा हो अख्तियार हो तो वो कुछ वहाँ पे ऑलरेडी डॉन थे और कुछ नए डॉन बन गए वहाँ पे अब सुशांत की जो हलाकत है बेचारे की वो अब उन सब को एक्सपोज़ कर रही है और कंगना जो हैं एक ऐसी बहादुर अदाकारा हैं जो बहुत ही जाफशानी के साथ सिर्फ सुशांत के मामले में नहीं बहुत लंबे अरसे से इस माफ़िया के ख़िलाफ़ लड़ रही हैं और आवाज़ उठाती हैं बोलती हैं बहरहाल अब वो भारत की आवाम की अक्सरियत की एक तरह से पसंदीदा अदाकारा के तौर पर सामने आ चुकी हैं तो वो जितने डॉन हैं बॉलीवुड के अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई वो ये समझते थे कि ये इनका बॉलीवुड की एलिट क्लास से तल्लक नहीं है कंगना का तो हम इनके साथ किसी भी तरह की बुलिंग कर लें इनके साथ बदतमीजी कर लें अब वो उनके लिए बदतमीज़ी करना मुमकिन नहीं रहा क्योंकि अल्टीमेटली जनता की आवाज़ जो है जब मिल जाती है किसी स्ट्रगल करने वाले की आवाज़ के साथ तो फिर जितने ये माफिए हैं फिर ये डिसिपेट हो जाते हैं तो ये एक बहुत ही खुशाइन बात है कि उन माफियाज़ के लिए कंगना खड़ी हुई उनके ख़िलाफ़ और अब कंगना के साथ और भी लोग खड़े हो रहे हैं और अब बहुत सारे नाम और भी हैं मगर उनका नाम सर फहरस्त है और मैं ये समझता हूँ कि भारत में अवेयरनेस जो है चाहे वो आर्ट की दुनिया की हो चाहे बुक इंडस्ट्री की दुनिया की हो अवेयरनेस बढ़ रही है जो आपने बात पीछे की थी ना अनिश भाई कि आफ्टर ऑल क्या वजह है कि भारत की जो मेजोरिटी है वो वो पिस रही है जो हिंदू सिविलाइजेशन के सनातन के जो मानने वाले हैं वो पिस रहे हैं बाकी सारे उनके ख़िलाफ़ बुलिंग कर रहे हैं तो अब एक अवेयरनेस इतनी बढ़ रही है कि मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले कुछ सालों में ये अवेयरनेस बढ़ी और बड़े, बड़े बड़ सेंसिबल लोग हैं वो रिएक्शनरी लोग नहीं हैं हो सकता है उनमें से कोई रिएक्शनरी वॉइस भी आपको मुस्तबिल में या एक आदमी भी सुनने को मिलती है वो नेचुरल होता है किसी सोसाइटी में एक्शन और रिएक्शन चलता है लेकिन जनरली जो अवेयरनेस भारत में क्रिएट हो रही है वो सेंसिबल लोगों की है और बहुत नए नए सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या हिंदुत्व की अवेयरनेस की वजह से हमारी कहीं जो सो so कॉल्ड पुरानी ओपननेस होती थी वो तो नहीं ख़त्म हो जाएगी इस पर किताबें भी लिखी जा रही हैं बिल्कुल तो लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि अमेरिका हो भारत हो ये इन बातों का नितारा करना होगा कि भाई ये जो उन्होंने सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअलिज्म के अपने अपने बॉक्स बनाए हुए हैं लोगों ने अपने अपने इंटरेस्ट की वजह से वो बॉक्सेस अब टूटेंगे बिल्कुल और नई जो रियलिटीज हैं नई फ़ फ़िलासफीज नई स्ट्रेटजीज इवॉल्व होंगी और नई रियलिटीज़ चाहे वो पुरानी सिविलाइजेशन पर बेस करती हुई हो चाहे वो, वो अमेरिका की बात हो भारत की बात हो वो जो वो जो नई सो कॉल्ड सिविलाइजेशन बनेगी पुरानी सिविलाइजेशन में बेस करते हुए वो उसका फ्यूचर क्या होगा ये वो डिबेट्स हैं जिसमें हम इंगेज रहेंगे आने बिल्कुल, वाले बिल्कुल, बहुत 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 शुक्रिया तहर भाई आपने वक्त दिया और इस मौजू एक गुफ्तगु हुई नाजरीन असल में बात यही है कि जो रिएक्शनरी की बात की ना तालबाइन इसको समझने की जरूरत है और मैं आपको मतलब ये दावे से कह सकता हूँ कि इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान की जो धरती माँ के जो सनातन धर्मा के मानने वाले हिंदुत्वा के मानने वाले लोग हैं उन्होंने कभी भी रिएक्शनरी रवैये एटीट्यूड नहीं रखे कभी भी कोई रिवेंजफुल काम नहीं किया और कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसमें वायलेंस होता हो और ये पीस और अमन को लेके चले और यही वजह है कि उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया उसके बाद उनको दबाया गया माइनॉरिटीज़ ने रूल किया सालों नहीं सैकड़ों नहीं हज़ारों साल की अगर तारीख उठा के देखें तो आने वाले दिनों में भी मुझे नहीं लगता कि ये मामला किसी भी तरह से रिएक्शनरी या वायलेंस पे जाएगा प्रोएक्टिव होना एक डिफरेंट चीज़ है और आई थिंक इट इज़ अबाउट टाइम के प्रोटेक्ट प्रोएक्टिव हो जाए ताकि प्रोटेक्ट कर सकें उस धरती को उस धर्म को उस सनातन को और अपने आप को और सब को मिलजुल कर एक मौका अपॉर्चुनिटी का मिलना चाहिए वरना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा आ, मैं कहता हूँ कि आ, कंगना रनावत जैसी जवान मर्द आ, अभी हमें और चाहिए जो आवाज़ बुलंद कर सकें जो उठा सकें जो लोगों को जगा सकें और उनका साथ दें और आपने देखा व्यूअर्स uh, बड़े इंपॉर्टेंट बात नोट कीजिएगा कि जब कोई आदमी सच और हक के रास्ते पर होता है तो सबसे ज़्यादा अब्यूज़ उसको मिलता है और मैं ट्विटर पर देख रहा हूँ कि बाकायदा एक ऑर्गेनाइज कैंपेन कंगना के ख़िलाफ़ चलाई जा रही है सो अब हमें और आपको क्या करना है अब हमें और आपको उनके हाथ मजबूत करने हैं और इस उनके हाथ मजबूत करने का मतलब है कि आप अपने आप को मजबूत कर रहे हैं कि आप उस माफिया के ख़िलाफ़ उस डॉन के खिलाफ उठ खड़े हो रहे हैं जो कि सदियों से हमें और आपको दबाता चला आ रहा है अनिश फारूकी का प्रोग्राम यही रखता इजाजत दीजिएगा हैव अ ग्रेट सब्सक्राइब टैग टीवी वी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन